हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक पर्टिकुलर शेयर से बातें के रिलेटेड बातें करेंगे और ये शेयर कुछ ही टाइम पहले लिस्ट हुआ था, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिया था। उसके बाद शेयर थोड़ा नीचे आया और उसके बाद भी उस शेयर ने 150+% के रिटर्न आपको दिए हैं, आपके पैसे को फिर दोबारा डबल कर दिया है। तो इतना अच्छा शेयर वो नज़र आता है। उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, सब्सक्राइब करने का आपको बोला भी था और बिजनेस मॉडल भी समझाया था, बट दोबारा उस शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टर्स भर भर के उसे खरीद रहे हैं, तो आइए उसी से रिलेटेड बातें करते हैं, जानते हैं वो शेयर से रिलेटेड। बट बिफोर दैट हम आगे बढ़े वीडियो में, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे, एक आपका अकाउंट ओपन करने के लिए। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, यहाँ पर क्लिक करिएगा, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। कोई भी आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना और आपका फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। एज वेल एज बात की जाए, यहाँ पर दूसरा लिंक है, यहाँ श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट पर ले जाएगा इन्हीं की, और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी डोनेट करके और अपने मंदिर बनने में एक पुण्य काम में मदद कर सकते हैं और एक अच्छा काम भी होगा। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जिस शेयर से लेटरी हम बातें कर रहे हैं, सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ, लगभग 1607 रुपये पे ये शेयर चल रहा है। अगर बात करें 52 वीक लो की, तो 21 सितंबर को, आज से लगभग 5-6 महीने पहले, 625 रुपये पे ये शेयर आपको दिख रहा था। एज वेल एज बात कीजिए 17 फरवरी को, ये शेयर 1900, अगर बात की जाए तो पूरे 2000 को टच करके फिर नीचे गिरा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर देखा जाए तो 37% की डिलीवरीज उठाई गई है, किसके थ्रू, ये डिलीवरीज बेसिस पे लोगों ने यहाँ पर ये शेयर उठाया भी है। अगर बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर बात की जाए प्रमोटर्स ने थोड़ी सी हिस्सेदारी अपनी कम करी है, पब्लिक के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी है, और FIIs ने तो अच्छा खासा यहाँ पर खरीदारी कर रखी है। अगर बात की जाए कोई भी शेयर यहाँ पर प्लज नहीं है, कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। शेयर अगर हम देखते हैं तो देखिए लगभग 0.5% की यहाँ पर गिरावट हुई थी, गिरावट दिख रही है, बट ये गिरावट और गहरी थी, बट रिकवर हो गया था ये शेयर। अगर बात की जाए 5 डेज का चार्ट पैटर्न, तो गिरता हुआ नजर आएगा क्योंकि ये शेयर काफ़ी टाइम से भाग रहा था, जैसे कि बताया था कि 2000 रुपये तक के आसपास ये गया था, फिर उसके बाद नीचे लगभग 17% नीचे आ चुका है। अगर बात की जाए यहाँ पर 6 मंथ चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, 1 ईयर यही इसका मैक्सिमम यही है। अभी आया था ये शेयर, जैसे कि मैंने बताया, अगर इसके लो से हम बात कर रहे हैं और इसके हाई तक, तो इस शेयर ने कितने, लगभग 162% के रिटर्न्स दिए। तो लिस्टिंग गेन देने के बाद भी, आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देने के बाद भी ये शेयर 150% के रिटर्न दे सकता है, तो समझिए ये शेयर की ताकत क्या होगी। और इस शेयर को बारे में बता देता हूँ क्या शेयर है, तो शेयर का नाम है रूट मोबाइल, आप देख सकते हैं रूट मोबाइल यहाँ पर। तो रूट मोबाइल करता क्या है, तो आपको पता ही है रूट मोबाइल मैसेजिंग जो आपको आते हैं, आपको जो OTPs आते हैं, आप कभी भी यहाँ पर किसी बैंक के लिए रजिस्टर करते हैं, अपने नेट बैंकिंग ओपन करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको OTP आते हैं, या फिर अपने नंबर को रजिस्टर करते हैं तो OTP आते हैं। तो उस OTP में, उस अगर आप वॉइस जो IVR जो आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो, IVR पे आपको पहुँचा देते हैं, या ईमेल आते हैं अलग अलग जगह से, SMS आते हैं, तो ये सारा का सारा काम रूट मोबाइल करता है। ये इससे अलग और भी बहुत सारी कंपनी है जो मार्केट में ऐसा डील करती है, टाटा कम्युनिकेशन होगी जैसे कि, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल रूट मोबाइल की, तो हम रूट मोबाइल की बातें करेंगे। अच्छा खासी इसकी क्लाइंट भी है, अच्छे खासे यहाँ पर सब कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मैसेजिंग ऑपरेटर, वॉइस जो IVR आते हैं, मिस कॉल आती है, ये सब चीज़ जो कॉल सेंटर से रिलेटेड। ईमेल की बात करें तो ईमेल, यहाँ पर मोबाइल आइडेंटिफिकेशन, वेरीफाइड SMS, तो ये सभी चीज़ में ये कंपनी काम करती है। इसकी वेबसाइट पर जाना तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा खासा इनका बिजनेस आपको समझ में आता है। उस टाइम भी राय दी गई थी जब इसका IPO आया था, और आपको बताया गया था कि इसे आप अप्लाई करिएगा, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन अगर मिलेगा तो होगा, एज वेल एज बाद में भी ये शेयर चलेगा। तो आज अगर आप देखते हैं तो उसके बाद भी शेयर काफ़ी अच्छा चला है। इसे कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो मार्केट कैपिटल, इसकी मार्केट कैपिटल स्मॉल कैप कंपनी है, 9230 करोड़ रुपीज़ की कंपनी है। ROCE काफ़ी बेहतरीन है, 28.8% का ROCE ही है। अगर बात की जाए यहाँ पर कंपनी देखिए अपना डेट कम कर रही है, अगर यहाँ पर देख ले क्वार्टरली रिजल्ट्स की,
तो यहाँ पर देखिए जून 2019 से ओके दिसंबर 2020 तक कंटिन्यूसली इनका जो बिजनेस है ग्रोइंग मैनर पे है ओके। और दिसंबर में इस वाले क्वार्टर में तो सबसे ज़्यादा इनकी सेल्स हुई है, एज वेल एज़ प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जो कि इस बार का प्रॉफिट 46 है, जो कि हर क्वार्टर में सबसे ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेस पर भी देखते हैं 2017 से 16 से, तो यहाँ देख सकते हैं कि अभी तक की जो पिछले 12 महीने की जो सेल है ना 1300 करोड़ रुपए की है। अगर बात की जाए यहाँ नेट प्रॉफिट की तो 111 करोड़ रुपए का पिछले 12 महीने में प्रॉफिट हो चुका है। और ऐसी ही कंपनियाँ हमें अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए जो बिजनेस को करना जानती हो, जो प्रॉफिट कमाना जानती हो। रिजर्व्स की बात की जाए तो रिजर्व्स यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, 492 लगभग 500 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं। बोरिंग की बात करें, बोरिंग पहले थी जो कि अब देखिए घटते हुए मैनर में आपको दिखाई देगी, लगभग 41 करोड़ रुपीज़ की बोरिंग है जो कंपनी कभी भी दे सकती है। इन्वेस्टमेंट 13 करोड़ रुपए का कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एज वेल एज कैश की बात की जाए तो 427 करोड़ रुपए का कैश इक्विवेलेंट भी कंपनी के पास अच्छा खासा है। और 29 के आरओसी पे कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी दिसंबर में थोड़ी सी कम करी है, बट अगर हम बात करते हैं एफआईआईज की तो एफआईआईज ने लगभग 5% की हिस्सेदारी ओके सितंबर से दिसंबर के बीच में यहाँ पर 5% की हिस्सेदारी खरीदी है। और अभी जब अपडेट होगा जिस तरीके से शेयर बढ़ा है तो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। डीआईआईएस ने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर कम करी है ओके। पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ा ली है, और अगर पब्लिक में भी बात करें 10% की हिस्सेदारी है। अदर्स की बात करें 0.03% की हिस्सेदारी है, तो अच्छे हैंड में लगभग 90% की हिस्सेदारी यहाँ पर है कंपनीज का, प्रमोटर्स एफआईआईएस डीआईएस। तो इसकी तरफ नज़रें बना के रखनी है, ये शेयर जब भी मिले आपको रखना है। और एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, देखिए मैं हमेशा आरएसआई की आपसे ज़रूर बात करता हूँ, क्यों करता हूँ इसके पीछे एक रीज़न है। आप कभी भी देखेंगे ना, जब भी ये आरएसआई 70 to 85 या 90 के बीच में जब भी आता है ना, उसके बाद ये गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखिए कभी भी नीचे होता है, कभी भी जंप मार देता है यहाँ पर आरएसआई। अगर हम यहाँ चेकते हैं 78 के बाद यहाँ पर गिरना शुरू हुआ ओके। तो हम यहाँ पर अगर बेच के निकल जाते ओके और यहाँ पर खरीद लेते, नीचे आने पर 10% 15% नीचे आए तो 10% का फिर हमें प्रॉफिट हो जाता, फिर हम इसे बेच के निकल जाते और यहाँ पर खरीद के आराम से बेचते ओके। और ये तो देखो कहाँ तक बढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा ओके, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता, बट हमें एक अगर आइडिया लग सकता है कि अगर हाँ यहाँ पर अब देखिए जब भी 80 के आसपास ये शेयर आता है, 80 के आरएसआई पे आता है ये शेयर या कोई भी शेयर, तो वो वहाँ पर से लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं। और फिर जब दोबारा शेयर नीचे आता है ना तो खरीदना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो जब ये शेयर दोबारा थोड़ा सा और गिरे ना तो शायद एकुमुलेट करने का अच्छा मौका मिलेगा। और अभी जैसे कि रिजल्ट्स आने वाले Q4 के, क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आएंगे, तो ये शेयर फिर दोबारा एक जंप बैक दिखाता हुआ दिखेगा ओके। और आपको दोबारा से 10 to 15 या 20% के रिटर्न देते हुए मिलेगा। तो हर क्वार्टर में इस तरीके से आप 15 से 20% के रिटर्न कमा सकते हैं, और 15% के भी रिटर्न इस तरीके से अगर हम कमाते हैं तो 4 क्वार्टर्स होते हैं और 15 4 60 होता है, मतलब 60% के रिटर्न आप कमाते हैं ईयरली। और इस तरीके से अगर आप कमाते हैं तो आप खुद समझ लीजिए कि आपके जो कंपाउंडिंग करके जो आपका पैसा है किस तरीके से बढ़ेगा। तो इसलिए कहता हूँ इसकी तरफ भी ध्यान देना, एक स्ट्रेटजी है जो मुझे, मैं काफ़ी शेयरों में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब भी 80 के आसपास आता है ओके लोग बेचना शुरू कर देते हैं, और फिर नीचे आता है तो फिर लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, 1-2 महीने किनारे पर बैठ के इंतजार करते हैं ओके, फिर दोबारा जाता है, फिर बेच के चुपचाप निकल जाते हैं, फिर खरीदते हैं, इस तरीके से वो करते रहते हैं और अच्छा खासा पैसा। और ये ट्रेडिंग भी नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है या फिर कैश कहा जाए, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है ओके। खरीद के यहाँ पर गया तो बेच दो, और नीचे आ गया तो फिर दोबारा खरीद लो, और हर एक शेयर में इस तरीके से होता रहता है, और ऊपर की तरफ शेयर को जाना ही है। तो ये होता है सारी की सारी एक स्ट्रेटेजी जो मुझे काफ़ी टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर मैं और दूसरा शेयर के रिलेटेड आपको बताऊँ, इससे रिलेटेड, चलो इससे रिलेटेड मैं दूसरी शेयर एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको इसके रिलेटेड बातें करेंगे। तो आइए, तो अगर वीडियो में ये बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज ये वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल को बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, बेल आइकन को हिट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें कोई भी पोजीशन बनाने से पहले। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।